जी ने 1886 में जो मजदूर भाई मजदूरों के हकों के लिए जदोजहद करते हुए शहीद हुए थे, आज उनकी याद में इकट्ठे हुए हैं, यहाँ उनको याद कर रहे हैं, वहीं ये प्रण ले रहे हैं कि मजदूरों के लिए ये जदोजहद करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी ट्रेड यूनियन जो है, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक ट्रेड का विंग है, ये एजाज़ काजमी साहब की क़यादत में अपने जितने भी मजदूर भाई हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से है चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से है, उन सब मजदूर भाइयों के जो भी मसले हैं उनके लिए ये जदोजहद करेंगे। जम्मू कश्मीर में जितना मजदूरों के साथ ज़्यादती हो रही है, ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रियल लेबर है, इंडस्ट्रियल लेबर के साथ इतना शोषण हो रहा है, इंडस्ट्री तो लाई जा रही है यहाँ, ये कहा जाता है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें आती हैं कि हम इतना अरबों रुपए का यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं और इतनी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिलती। एम्प्लॉयमेंट में बाहर के लोग आते हैं, जो बड़ी पोस्टें हैं, जो मिनिस्ट्रियल जॉब हैं, जो मैनेजर जनरल मैनेजर, वो बाहर से आते हैं, और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनको वहाँ पे पानी पिलाने पे, गार्ड पे, और वो भी उनसे आज भी 10-10 घंटे उनसे काम लिया जाता है, और कंट्रैक्टर के थ्रू वहाँ काम करवाए जाते हैं। अगर कोई मजदूर बोलता है कि हमसे ज़्यादा काम क्यों लिया जा रहा है, तो वो कहते हैं छुट्टी करो, आप कल काम पे नहीं आना। इस तरीके से यहाँ पे भी मजदूरों के साथ बहुत शोषण हो रहा है, एक्सप्लाइटेशन हो रही है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से जदोजहद कर रही है। मुझे खुशी है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट और उनकी सारी टीम को कि यहाँ भी मजदूरों के साथ, लेबर के साथ, हमारे डेली वेजर के साथ यहाँ भी कोई ज़्यादती हुई है, उनकी आवाज़ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बुलंद की है, ट्रेड यूनियन ने बुलंद की है, इन्होंने धरने दिए हैं, गिरफ्तारियाँ दी हैं, यहाँ आज कोई पार्टी नहीं बोल रही। वोट लेने के लिए आपके पास आते हैं, चाहे NC है, चाहे PDP है, चाहे कांग्रेस है, चाहे दूसरी पार्टियां हैं, ये वोट लेने आती हैं, लेकिन आपकी बात नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी, इसका तो रंग रोगन उतर गया है, इसने तो जो कहा था उस वक्त, ये कहा था कि एक बार हमको मौका दे दो हम महंगाई दूर कर देंगे, आज कहाँ चली गई महंगाई? आज डीजल देखो, आज पेट्रोल देखो, आज गैस सिलेंडर देखो, आज खाने पीने की चीज़ें देखो, गरीब आदमी दो वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, और इस किस्म की स्कीमें ये ला रहे हैं। लीडरशिप की तरफ से स्वागत करते हैं। आज जैसे साथियों लेबर डे है, और लेबर डे उस उपलक्ष्य पे मनाया जाता है कि आज जितनी भी कंस्ट्रक्शन के काम इंडिया में और वर्ल्ड वाइड होते हैं वो ये लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू ही होते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर ये लेबर ना हो तो हिंदुस्तान और क्या वर्ल्ड क्या पूरे विश्व क्या बिन इनके बिना बिल्कुल अधूरा है। और मैं अपने साथियों को कहूँगा कि प्रोविंशियल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ जी को कहूँगा कि वो 2 मिनट हमें संबोधित करें, 2 मिनट की। हमारे अपनी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जनाब सरदार मनजीत सिंह जी, उनके साथ बैठे हुए हमारे इजाज़ आलमी साहब और मेरे जितने भी साथी यहाँ पे आए, साथियों से हमारे जैसे आपको पता है कि आज वर्ल्ड लेबर डे है, जितने भी हमारे साथी यहाँ पर आए हैं हम उनका की शुरुआत जो है सन 1886 को हुई थी अमेरिका में, उस समय जब 15 घंटे के लिए एक मजदूर से काम लिया जाता था, उसके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट निकला कि इसको 8 घंटे किया जाए, उस पर लेबर डिपार्टमेंट के लेबर के जितने जिंदाबाद दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज्योति डोगरा, चलो 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 चलो
रामा देवी शुक्रतला देवी नेक्स्ट नाम बोलो। आगे शुक्रतला।